आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जेई एस्परेंट्स जो एट्थ नाइन्थ या फिर टेंथ में अपनी तैयारी शुरू कर रहे होते हैं उनके पास लैक ऑफ गाइडेंस होती है जिसकी वजह से उनकी जेई की तैयारी को करने का जो तरीका होता है वो रिलेटिवली फार मोर इनएफ़िशियंट होता है एज कम्पेयर टू अ वन प्रिपेयरिंग फॉर जेई इन क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई क्लास एट्थ में गलत गाइडेंस के साथ भी अपनी जई की तैयारी शुरू कर रहा है और उसने एट्थ नाइन्थ टेंथ तीनों क्लासेस में अपनी जेई की तैयारी करी तो हम इसको तीन साल की तरह काउंट नहीं करेंगे हम इसको बोलेंगे कि ये लगभग डेढ़ साल के बराबर है या फिर दो साल के बराबर है आसान भाषा में जब तुम ये बोलते हो कि यार इसने तो जेई की तैयारी चार साल करी है क्योंकि इसने नाइन्थ में ही शुरू कर दी थी और मैंने यार एलेंथ में शुरू करिए तो मेरे को दो साल ही मिल रहे हैं नहीं नहीं उसके वो चार साल नहीं है उसके वो तीन साल है क्योंकि उसके जो दो साल थे उसने गलत गाइडेंस के साथ जेई की तैयारी करी थी आई अग्री दैट उसके पास कॉम्पिटेटिव एज है बट द कॉम्पिटेटिव एज इज़ नॉट एज मासिव एज यू थिंक इट इज़ बिफोर वी मूव ऑन विद द वीडियो आई लाइक टू टेल यू दैट तो इफ़ देर इज एनी जी ये एसपेंट हुज़ कन्फ्यूज अबाउट कि मुझे अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या फिर नहीं तुम शायद पहले फ़ील करना चाहते हो कि पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद कैसा फील होता है टीचर्स के लेक्चर्स को जाके ट्राई करना चाहते हो जो पेड मेम्बरशिप में मिलते हैं दिस इज़ द बेस्ट चांस फॉर यू टू डू इट यूजिंग माई रेफरल कोड यू कैन गेट एक्सेस टू सेवन डे फ्री ट्रायल ऑफ अन अकेडमी और जाके लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो और चेक कर सकते हो वेदर इफ इट्स अ फाइन फिट फॉर यू आर नॉट बट वेट नॉट जस्ट दैट दिर इज मोर देट आई हैव टू ऑ ऑफर विच इज़ अ क्विज विच यू कैन अटेंड और इसका लिंक तुम्हें तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड द टॉप ranker will get a voucher worth 1000 rupees सो so, अगर कोई ऐसा जी एस्परेंट है जिसको अफोर्ड करने में दिक्कत आ रही है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू तुम सेवन डे का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो और उसके बाद अगर तुम्हारी क्विज में अच्छी रैंक आ जाती है तो तुम्हारे पास हज़ार रुपये का डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा एंड आईम जेनुअन वेरी क्यूरियस की किसकी सबसे ज्यादा रैंक आती है अगर पॉसिबल हो पाए तो आई एल पर्सनली ट्राई टू टॉक टू दिस पर्सन सो दोस्टेड कैन यूज माई कोड दैट इज प्रथम काफी सारे जई आस फ्रेंड्स मुझसे ये बोलेंगे की फिर भी यार तुम तीन साल को चलो डेढ़ साल एक साल बुला लो फिर भी कॉम्पिटेट तो है ही ना उसके पास उससे आगे बढ़ने के होप्स तो फिर भी मेरे को जीरो ही दिखाई दे रहे हैं क्या करू भाई इन दिस केस आई वु से मेजोरिटी ऑफ जई आस फ्रेंड्स बट दे लैक इन स्मार्ट वर्क टू एन एक्सट्रीम एक्सटेंट स्टिल उनकी रैंक अच्छी आती है क्योंकि स्मार्ट वर्क में सभी ख़राब है लेट से कोई ऐसा बंदा है जिसकी दस हज़ार रैंक आनी थी और एक बंदा है जिसकी दो हज़ार रैंक आनी थी जो दस हज़ार रैंक वाला बंदा है लेट से वो दिन में दस घंटे पड़ता है और जो जो हमारा दो हज़ार रैंक वाला बंदा है वो दिन में बारह घंटे पड़ता है बहुत ही बेसिक एनॉलोलॉजी ले रहा हूँ इसमें लॉजिक ढूंढने मत लग जाना कि भाई रोज़ दिन में एक्जैक्ट दस घंटे कैसे पड़ सकता है कोई एक्जैक्ट बारह घंटे कैसे पड़ सकता है तो वेरी होता है और बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमने कंसिडर नहीं करे आई नो आई नो आई नो बट एक बेसिक केस ले रहा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लूँगा तो कन्फ्यू हो जाओगे और लाइट्स कमिंग बैक टू इट एक जी आस्फ्रेंड है जो दस घंटे पढ़ता है एक जई आइफ्रेंड है जो बारह घंटे पढ़ता है बारह घंटे वाले की दो हज़ार रैंक आने वाली है दस घंटे पढ़ने वाले दस हजार रैंक आने वाली है तो अगर ये जो दस हज़ार रैंक वाला जई है अगर ये स्मार्ट वर्क कर लेता है ऑल्सो टेल टैलेंट थोड़ी देर के स्मार्ट वर्क से मेरा क्या मतलब है कमिंग बैक टू इट अगर ये दस हज़ार रैंक वाला स्मार्ट वर्क कर लेता है तो ये सिर्फ दस घंटे पढ़ के इस बारह घंटे वाले को चेज कर सकता है

मैंने उससे रिसेंटली सवाल पूछा कि भाई तू ऐसा क्या करता था जिससे तेरी रैंक और ज़्यादा बेटर हो जाती उसने बोला कि भाई अगर मैं सिर्फ आखिरी के दो महीने में अच्छे से पढ़ लेता तो मेरी रैंक बहुत ज़्यादा ट्रास्टिकली बेटर आ जाती मैंने कहा अच्छे से पढ़ लेता मतलब पढ़ाई नहीं करी थी क्या आखिरी के दो महीने में उसने बोला करी थी पर अल्ट्रा इनफिशेंसी आ गई थी बिकॉज मैंने अपनी दो साल की जयी प्रिपरेशन में इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली थी बारह तेरह चौदह घंटे पढ़ पढ़ के कि मेरे को बर्नआउट हो गया बर्नआउट हो गया मतलब मैं पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा थक गया इतना थक गया कि मेरा पढ़ने का मन कम करने लगा और मेरे आखिरी के दो महीने बहुत ज़्यादा इनिफिशेंट गए अगर एफिशिएंट जाते तो क्या पता रैंक आठ सौ हज़ार के अंदर आ जाती पाँच सौ के अंदर आ जाती दो सौ के अंदर भी आ जाती हु नोज सो कैन यू सी दिस एक जे एस्पेरेंट जो एक बहुत अच्छा हार्ड वर्कर है वो भी इतने मासिव लेवल की गलतियां करता है सो लेट से मेरा ये जो फ्रेंड है ये दिन में चौदह घंटे पढ़ता था और एक बंदा है जो दिन में बारह घंटे पढ़ता था और मेरे फ्रेंड की लेट से पाँच रैंक आनी थी और वो इंसान जो दिन में बारह घंटे पढ़ रहा है लेट से उसकी हमारी दो रैंक आनी थी तो मेरे फ्रेंड ने एक गलती करी जिसकी वजह से उसको बर्नआउट हुआ और उसकी रैंक 500 से 2000 हो गई और वो जो 12 घंटे वाला बंदा है उसने कोई भी इस तरह की गलती नहीं करी उसने स्मार्ट वर्क किया सेंसिबली अपनी प्रिपरेशन को कंडक्ट किया स्टेबिलिटी को मेंटेन किया अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दिया अपने इमोशंस पे भी ध्यान दिया अपनी लर्निंग रेट पर भी ध्यान दिया और उसने अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करा और उसकी भी दो रैंक आ गई दोनों की बराबर रैंक आ गई बट आइडियल केसेज में ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो जो बारह घंटे पढ़ने वाला जई एस्परेंट था उसके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जैसे चौदह घंटे वाले के साथ बर्नआउट हो गया उस बारह घंटे पढ़ने वाले के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा इट कुड भी लाइक कि वो ओवर करने लग जाए बीच बीच में अपनी जी प्रिपरेशन में कभी कभार डिस्ट्रेक्शन में व्यस्त हो जाए या फिर इस बारे में सोच के डिप्रेस होने लग जाए कि यार ये तो बहुत पहले से पढ़ रहा है यार इससे मैं कैसी कॉम्पीट कर लूँगा कोई होप्स ही नहीं है नहीं होप्स है यू जस्ट हैव टू सी इट मोर लॉजिकली सो बेसिकली जो अच्छा जही एस्पेरेंट है जो अच्छा मेहनती जही एस्पेरेंट है वो भी बहुत सारी बड़े बड़े लेवल के ब्लंडर्स कमिट करता है इवन इफ़ यू आस्क ए आई आर नाइनटी फाइव के भाई तू ने क्या कोई बहुत बड़ी गलती करी थी 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 वो भी तुम्हें बता देगा हाँ भाई मैंने एक बड़ी गलती करी थी तो वो गलतियाँ अगर तुम ना करो जो इन जनरल बहुत सारे जी एस्पिरेंट्स करते हैं यू विल हैव अ मासिफ कॉम्पिटेटिव एज दर इज़ वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट आई लाइक टू टेल दैट इज़ नो बड़ी वर्कस ऑन देयर लर्निंग रेट हम अच्छी मॉड्यूल्स चूज कर लेते हैं अच्छा टीचर चूज कर लेते हैं अच्छी टेस्ट सीरीज चूज कर लेते हैं और हम हार्डवर्क करना शुरू कर देते हैं हम पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं पर हम इस पर ध्यान नहीं देते कि ये जो मेरी पढ़ाई करने की जो मेरी सीखने की रेट है ये कितनी है इसको कैसे बढ़ाया जाए दिस इज़ समथिंग आई स्ट्रांगली रियलाइज अ कोर्स जो मैं पर्सनली कंडक्ट किया करता था कुछ टाइम पहले तो दस लोगों को मैं कोर्स में एनरोल करता था मेरे लाइट से एक मैथ्स का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आई रियलाइज कि सबको मैं अगर एक वीडियो दिखाऊंगा तो सब अलग अलग लेवल पर सीख रहे हैं कुछ को एक्स परसेंट याद है कुछ को वाई परसेंट याद है कुछ को जेड परसेंट याद है कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल एक बार में लेक्चर दिखा दो वो अप्लाई कर देगा बहुत अच्छे से कोई एक इंसान है जिसको तीन बार लेक्चर दिखाओ तो भी वो ढंग से अप्लाई करना नहीं सीख पाएगा बिकॉज इनकी लर्निंग रेट में ड्रास्टिक डिफरेंस है तो हमने कभी लर्निंग रेट की मैकेनिज्म को समझने की कोशिश नहीं करी इट्स वेरी मच रिलेटेड टू आर साइकोलॉजी एंड आई एम स्टिल स्टडिंग अबाउट इट फिगरिंग आउट स्टफ जब मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी आई लेट यू नो इन अवट्यूब वीडियो सो so एक अच्छा जगह एस्पिरेंट बी ए लेट से जिसकी यार पाँच सौ छः सौ भी आ रही है वो भी जिस तरह से चीज़ों को कर रहा है वो उसी तरह से कर रहा है वो भी अपनी लर्निंग रेट पर वर्क नहीं कर रहा है तो कोई ऐसा इंसान जिसकी हज़ार रैंक आने वाली थी वो अगर अपनी लर्निंग रेट पर वर्क करने लग जाएगा तो वो उस इंसान को कॉम्पिटिव एज दे सकता है लर्निंग रेट इज बेसिकली तुम उन दो घंटे में ज़्यादा सीख ले रहे हो एज कम्पेयर टू जो तुम पहले सीख रहे थे तुमने फील किया होगा जब तुम रिलेटिवली जॉयफुल होते हो तो तुम चीज़ें जल्दी जल्दी सीख लेते हो और जब तुम स्ट्रेस आउट और इरीटेटेड होते हो तो तुम दो घंटे भी अगर तुम एक लेक्चर दिखा देंगे तो तुम उसमें शायद पंद्रह बीस मिनट का ही सीख पाओगे देर आर सम स्टूडेंट्स जिनको बस एक बार लेक्चर देखना होता है और उनकी इतनी तगड़ी लर्निंग रेट होती है कि एक बार लेक्चर देख के ही एक बार टीचर को सवाल सॉल्व करते हुए देखते ही वो चीज़ों को बहुत अच्छे से करना सीख जाते हैं कि उन्हें बार बार लाइक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है वन वेरी एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस वॉज अ स्ट्रेंज जई आस्परेंट जो मैंने अपनी जई सिंप्लीफाइड की वीडियो में डिस्कस किया था जो कि चैनल की मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूड यूट्यूब वीडियो है सो इफ वी क्रैक द कोड ऑफ हाउ कैन वी ह्यूमन्स इम्प्रूव आर लर्निंग रेट देर विल बी अ मैसिव चेंज इन हाउ वी फंक्शन Alright guys, so that's all for this video. See you in the next one.